अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो चलो गाइस, आज हम बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल, वो भी लड्डू, वो भी एक कप दूध से खाली। तो चलो बनाते हैं फटाफट से। तो गाइस, हम आ गए किचन में। तो हम लिए फ्राई पैन और गैस को जला दे रहे हैं। इसी फ्राई पैन में बनाएंगे। तो देखो, हम एक ही कप दूध ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ, ये पका हुआ दूध है। आप चाहें तो कच्चा दूध ले सकते हैं, अब फुल क्रीम दूध है। तो अभी हम इसमें दूध के अंदर डालेंगे चीनी, 4 चम्मच चीनी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो जो हमारा कप है ना, ये 4 चम्मच इसमें आते हैं चीनी, छोटे वाले चम्मच जो टेबल स्पून होते हैं, खाने वाला चम्मच होता है उसी से। तो उसमें हम डाल देना चीनी, उसके बाद इसको ऐसे चलाते रहेंगे थोड़ी देर, इसको जब तक ये चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक इसको हम चलाएँगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। इसको इसे चला चला के हमें पकाना है। तो इसको चलाते रहेंगे। तो गाइस, आप अपने भाइयों के लिए इस रक्षाबंधन पे आप झटपट से 10 मिनट में बनने वाली ये मिठाई आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है इसको बनाना। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं केसर के कुछ धागे 8-10, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने से स्वाद भी आ जाएगा और उसमें थोड़ा हल्का सा कलर आ जाएगा, येल्लो कलर आ जाता है इससे, तो इसलिए इसको हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास हो तो आप डालना, वरना आप चाहे तो येलो कलर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, 1 पिंच, ज़्यादा नहीं डालना है, कलर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए खाने में। तो देखो, इसमें हम डाल दिए, डाल के इसको से चलाते रहेंगे। उसके बाद इसका कलर देखना अभी कैसे चेंज हो जाता है। देखो, ये भी येलो येलो हो गया ना इसमें, हाँ ऐसे ही हो जाएगा कलर अगर आप भी ऐसे बनाओगे तो। तो गाइस, आज की वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक वो पहुंच जाए। ये बिल्कुल फ्री है, कुछ शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, उसको इग्नोर कर देना। बच्चे हैं, गली में खेलते हैं, क्या करें, बहुत मजबूरी है, बच्चे खेलते ही रहते हैं भाई। तब देखो, इसमें लिया नारियल का बुरादा, हम नारियल के बुरादे से बना रहे हैं मिठाई। तो इसको डाल देंगे, 2 कप ली हूँ, 1 कप दूध है, 4 चम्मच चीनी है और 2 कप नारियल का बुरादा है, बस इतना ही चीज़ लेना है हमें, और कुछ ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं 2-3 चम्मच, उससे और ज़्यादा स्वाद आ जाएगा, या दूध की मलाई हो अगर आपके पास तो आप डाल देना। हम जो दूध डालूँ उसमें मलाई थी, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं डाल रहे, ना इसमें घी डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही बनाएँगे इसको हम झटपट से 10 मिनट में बना के रेडी हो जाती है। तो रक्षाबंधन पे आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा अपने भाइयों के लिए, और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, बड़े बच्चे सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। हमारे घर में तो भाई ये मिठाई बहुत पसंद करते हैं सब, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है ये। तो देखो, इसको हम फटाफट से चलाते रहेंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती। तभी इसमें इलायची का पाउडर नहीं डाली हूँ, अभी इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे थोड़ी देर में। पर इसको थोड़ा हम चला लेते हैं ताकि खुशबू उसकी रहे, अगर पहले डाल दो तो खुशबू उसकी निकल जाती है। तो इसको ऐसे चलाते रहेंगे, उसके बाद में इलायची का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप इसमें दूध में ही इलायची कूट कर डाल देना, तो उससे उसका फ्लेवर आ जाएगा। अगर पसंद हो तो, ना पसंद हो तो कोई बात नहीं। देखो, इसको हम इसे चला चला कर ड्राई कर ले रहे हैं ताकि अच्छे से दूध इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, यानी सूख जाए। अब देखो, इसमें हम इलायची का पाउडर डाल दे रहे हैं, 1/2 चम्मच, छोटा वाला चम्मच है बिल्कुल, उसी से 1/2 चम्मच डाल देना, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसको डाल के इसको भी अच्छे से मिला देंगे। देखो, मिलाने के बाद इसको अब हम निकाल ले रहे हैं एक थाली में। अब ये लड्डू बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है ना, फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है और आसान भी बहुत है और खाने में मज़े भी बहुत हैं। तो गाइस, अगर कुछ पसंद आया तो एक कमेंट भी कर देना आप, और वीडियो देख के जाना मत, लाइक भी मार देना, नहीं तो बिगड़ लाइक मारे ही चले जाओ फटाक से देख के बस। तो जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगी, बिल्कुल ठंडा हो जाए तब भी कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया, अब इसके हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो चलो बना लेते हैं लड्डू। तो गाइस, इसको हम फटाफट से लड्डू बना रहे हैं, देखो बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता इसको बनाने में, फटाफट से लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं। वाह माशाल्लाह, एक लड्डू बन के रेडी हो गया, इसी तरह से हम दूसरा भी लड्डू बना के भी रेडी करते हैं। तो देखो, दूसरा भी बना ले रहे हैं फटाफट से भी।
इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बनाऊंगे जैसे ये बना के रखे हूँ। कहाँ गए जारा भाई? तो देखो सारे लड्डू हमारे बन के रेडी हो गए। 2 कप में हमारे 4, 4, 8, 9 लड्डू बने हुए हैं। वाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन लग रहा देखने में। आ गया ना मुँह में देखे पानी, तो इसमें हम थोड़ा सा कलर लगा दे रहे हैं, पीला कलर यानी येलो कलर, ताकि देखने में अच्छा लगे। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लगा दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो इसके ऊपर हम थोड़ा सा येलो कलर लगा दिए। इसके ऊपर हम लगा देंगे केसर के धागे। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट हो, काजू हो या बादाम हो या किशमिश, कोई चीज़ हो इसके ऊपर लगा दोगे तो देखने में बहुत मस्त लगे। देखो इसके ऊपर हम लगा दिए, लग रहा ना देखने में बहुत बेहतरीन। आ गया ना मुँह में पानी, तो गाइस बहुत जल्दी बन जाता है ये लड्डू, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता बनाने में। तो चलो एक तोड़ के हम आपको दिखाते हैं कैसे है ये लड्डू बना हुआ, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, मुँह में जाते ही घुल जाएगा। देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा देखने में। तो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।